हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपको 11th क्लास इंग्लिश हॉर्नबिल कोर बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और जिसको गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। इसकी कुछ पिक्चर्स के साथ शॉर्ट में हिंदी समरी की स्टडी कराएंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इसकी हिंदी समरी की ओर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इट मीन्स हमें मरने से भय नहीं यदि हम सब इकट्ठा हों। इस स्टोरी में नैरेटर ने अपने परिवार के बारे में और एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी यात्रा के बारे में ही बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। जुलाई 1976 की बात है। नैरेटर स्वयं जो 37 ईयर्स का एक व्यापारी था, एक दिन उसने अपनी फैमिली सहित संसार के चारों ओर जहाज द्वारा एक लंबी यात्रा करने की योजना बनाई। जैसे कि 200 वर्ष पूर्व जेम्स कुक ने यात्रा की थी, वह उसी बात को दोहराना चाहता था और अपना एक नाम कमाना चाहता था। अतः उसने भी 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी की पैंदी वाली तली की एक विशेष नौका बनवाई। इस नौका या जहाज का नाम वेव वॉकर था, अर्थात लहरों पर चलने वाला। उसके साथ इस यात्रा में उसकी पत्नी मैरी, 6 ईयर्स ओल्ड जोनाथन जो उसका बेटा था, एंड 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर जिसका नाम सुजेन था और जो 7 वर्ष की थी, ये यात्रा में चल दिए। नैरेटर ने 3 वर्ष में 150,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा करने की योजना बनाई थी। यात्रा का शुभारंभ सुख में रहा और कैम्प टाइन स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने 2 हेल्पर लिए, जिनमें अमेरिकी लैरी विजल और हर्ब सीगलर जो एक स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड से था। ये दोनों हेल्पर खराब मौसम में समुद्र यात्रा में सहायता करने के लिए लिए गए थे। कई सप्ताह तक तेज पवन का सामना करती हुई नाव आगे बढ़ती रही। मौसम बीच में अत्यंत खराब हो गया था, फिर भी उन्होंने क्रिसमस तथा नव वर्ष जैसे प्रोग्राम का जमकर आनंद लिया। 2 जनवरी को मौसम और अधिक खराब हो गया। उन्होंने जहाज की गति धीमी कर ली, जीवन रक्षक जैकेट और जलरोधक वस्त्र पहनकर तूफान की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि पवन थम गई। फिर एक बढ़ती हुई दहाड़ की आवाज़ के साथ एक विशाल लहर आई और एक बड़े विस्फोट ने नौका को हिला दिया। नैरेटर का सर चालन पहिए अर्थात डायरेक्शन व्हील से टकरा गया और वह सीधा पानी में जा गिरा। वह लहरों के बीच फंस गया और नीचे डूबने लगा। अब तो उसे साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। अचानक लहरों ने उसे फिर पलटा। एक लहर ने उसे सीधा करके पानी के ऊपर तक ला दिया तथा फिर दूसरी लहर ने उसे चीथड़ों की गुड़िया की तरह डेक पर फेंक दिया। बेचारे नैरेटर की बाई पसली टूट गई। उसका मुंह रक्त तथा टूटे दांतों से भर गया। फिर भी
उसने साहस का परिचय देते हुए किसी तरह से चालक पहिए को पा लिया। अचानक उसकी पत्नी मैरी ने द्वार खोला और उसकी हेल्प के लिए चिल्लाई। तभी डेक टूट गया और नौका में पानी भर गया। सहायक लैरी और हर्ब बेचारे पागलों की तरह पानी को नाव से बाहर निकाल रहे थे। जहाज के एक तरफ का भाग अंदर की तरफ बैठ गया था। उनके कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टीन्स और खिलौने गहरे पानी में डुबकी लगा रहे थे। नरेटर जैसे तैसे रेंगता हुआ बच्चों के केबिन में गया और बच्चों का हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि शू अर्थात बेटी उसकी आंखों के ऊपर अर्थात सिर पर थोड़ी सी चोट लगी थी, किंतु जब बेटी से पूछा कि बेटी आप ठीक हो तो उसने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, थोड़ी सी चोट है। नैरेटर ने हिम्मत बढ़ाते हुए हथौड़ा, पेंच और कैनवास ढूंढा और लहरों के बीच जहाज को रिपेयर करने चले गए। नैरेटर के दोनों सहायक लगातार नाव में आने वाले पानी को निकालते रहे। किसी तरह वे नौका ठीक करने में कामयाब हो गए, किंतु यहाँ खतरे का अंत नहीं था। कुछ समय बाद एक नई प्रॉब्लम फिर सामने आ गई। उन्होंने हैंडपंप के केबिन के आसपास तैर रहे मलबे के ढेर को देखा जो रुककर बिजली वाले पंप के पास इकट्ठा हो गया था और जिससे पंप शॉर्ट सर्किट में हो गया था। पानी का स्तर बढ़ गया। नैरेटर ने देखा कि जहाज पर दो हैंडपंप खुले थे, आगे का पाल, एक छोटा पाल और मुख्य लंगर के साथ। वे पूरी रात लहरों के जल का सामना करते रहे। सुबह को नैरेटर ने देखा कि शू का सिर चिंताजनक रूप ले चुका था। वे काफ़ी सूजा हुआ था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी बन गई थी। जब उसने बाजू में एक गहरा कट दिखाया तब राइटर ने पूछा कि आपने अपनी चोट के बारे में कल क्यों नहीं बताया। तब बेटी सुजैन अर्थात स्यू ने कहा कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, पूरी रात आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। 3 जनवरी को नैरेटर ने देखा कि संघर्ष करते हुए वे सब सुरक्षित थे, किंतु जहाज पूरी तरह से टूट चुका था। तब नैरेटर ने चार्ट द्वारा पता लगाया कि आगे दो छोटे छोटे टापू हैं जिनमें से एक इले एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक वेग था। उसकी इच्छा यही थी कि किसी तरह अब टापू तक पहुंचा जाए, लेकिन जहाज तो पूरी तरह टूट चुका था। 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने के बाद नैरेटर ने एक उपाय सोचा और रस्सियों की सहायता से एक छोटे से टापू पर जहाज को रोक दिया। नैरेटर की पत्नी मैरी ने कुछ बिस्कुट व नॉनवेज नमक के साथ सभी को सर्व किए। सभी ने 2 दिन में यह खाने के लिए कुछ था जो उन्होंने प्राप्त किया था। सभी ने थोड़ा आराम किया, किंतु खतरे ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। शाम 4 बजे का समय था। काले बादल हवा के साथ फिर नज़र आने लगे। पूरी रात सभी के लिए निराशाजनक थी। रात में तब नैरेटर अपने बच्चों को तसल्ली देने गया तो जॉन अर्थात उनके बेटे ने उनसे पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? राइटर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि हम उनको झेल पाएंगे। बेटे ने कहा, परंतु डैडी हम मरने से नहीं डरते यदि हम सारे एक साथ हैं, आप, मम्मी, शू और मैं। बच्चों ने नैरेटर को एक नया जोश दिया
और तब उसने जहाज की कमजोर दीवार को रस्सी और 2 22 लीटर के पैराफिन तेल की बैरल का प्रयोग करते हुए लहरों का सामना करने के लिए मजबूत बना दिया। नैरेटर और उनकी पत्नी एक साथ हाथ पकड़कर बैठ गए क्योंकि जहाज हिलने से टूटे भाग में जहाज के अंदर पानी आ रहा था। अब तो उन्हें अपना अंत समीप दिखाई दे रहा था। तभी उनका जहाज तूफान के बीच से होकर गुजरा। नैरेटर ने चार्ट द्वारा पता लगाया कि वे 150,000 किलोमीटर समुद्र में थे। 65 किलोमीटर चौड़े टापू को ढूंढते हुए सभी वहां पर जाना चाहते थे। तभी नैरेटर की बेटी शू दर्द से चलती हुई उनके पास आई। उसकी सिर के बाई तरफ बेहद चोट लगी थी और सर सूजा हुआ था। यह देखकर नैरेटर थोड़ा दुखी था, लेकिन यह क्या, बेटी ने उनके हाथ में एक कार्ड दिया जिसमें उसने कुछ लिखा था। इस कार्ड को बेटी ने स्वयं बनाया था। इसमें नैरेटर और उनकी पत्नी का कार्टून बना था। कार्ड के अंदर लिखा था, यहाँ पर कुछ मज़ेदार लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? जैसे मैं बहुत हंसी। मैं उन दोनों को बहुत प्यार करती हूँ और दोनों के लिए शुभकामनाएँ भेजती हूँ। किसी तरह हम, अर्थात नैरेटर, टापू पर पहुँच गए। अगली सुबह नैरेटर का बेटा जोनाथन, अर्थात जोन, भीतर आया और कहने लगा, क्या वह अपने पिता का आलिंगन कर सकता है? शू उसके पीछे खड़ी थी। दोनों बच्चों ने अपने पिता को संसार में सबसे अच्छा पिता तथा कैप्टन कहा। तभी किसी ने उन्हें सूचना दी कि उन्होंने दीप पा लिया है। वर्णनकर्ता तेजी से दौड़कर डेक पर आया। उसने इले एमस्ट्राइडम दीप की भारी फैलाव की आकृति देखी। उन्होंने उस रात उसी दीप के तट पर लंगर डाला। दीप के 28 निवासियों ने प्रसन्नता से उनका जोश बढ़ाया। वे तट पर पहुंचने में सहायता की। दीप पर पहुंचने पर वर्णनकर्ता अपने बहादुर बच्चों, पत्नी और दोनों सहायकों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने खतरे के समय साहस का परिचय दिया और उसकी यात्रा करने में उसका सहयोग दिया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन की हिंदी समरी अच्छे से माइंड हो गई होगी। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये और भी अच्छी तरह माइंड हो जाए। इसी के साथ थैंकिंग फॉर वॉचिंग।